तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पतंग काटने की? मैंने तुम्हारा पतंग नहीं काटा, वो तो टूट के गया। मेरे को मालूम है तूने काटा मेरा पतंग। भाई इसने मेरा पतंग काटा, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। तो यार वीडियो को आखिरी तक देखना, बहुत मजा आएगा, और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। रूपा सुना है तू बहुत पतंग काट रही है? हाँ क्या ये सच है? कहीं तू प्लास्टिक का मंजा तो नहीं लगा रखी? तेरा पतंग तो मैं काटूंगा। ले और काट, पड़ा ना अच्छा वाला। तू गुजर को चैलेंज कर रही है रूपा? बोल रूपा, आखिर तू कौन से मंजे से लड़ा रही है पतंग? तेरा मंजा मेरे को दे दे, तेरी सारी पतंग काट दूंगा। नहीं लूंगा, इस छोरी का पतंग को काटना इतना आसान नहीं गुजर। तू प्लास्टिक वाला मंजा लगाती है? हाँ मैं अपना नारी प्लास्टिक का मंजा है, तुम पे भारी, तुम सबका पतंग काट डालूंगी मैं गुजर, दम है तो लड़ा के देखा मेरे से। Are you comedy me? तूने क्या गुजर को बावला समझ रखा है? दो लड़ा मांजा करके तेरी पतंग काट के दिखाऊंगा मैं रूपा, बस तू अब आग फाड़ के देखती जा। अल्लाह रे अल्लाह, गुजर पतंग काटने आला। गुजर उस रूपा ने हम सभी के पतंग काट डाले, हमारे सारे पतंग खत्म हो गए, गुजर क्या करे? लूटो पतंग, लूटने चलो सब। साला पैसा नहीं है और पतंग लाने का, रूपा ने बर्बाद कर दिया, रूपा को नहीं छोड़ूंगा। यारी दोस्ती की बाढ़ में तुम मेरे खेत में पतंग लूटने नहीं घुसोगे, समझ गए ना? पहले तो कहती थी साथ में लूटेंगे। सॉरी डार्लिंग, अब प्लान में थोड़ा चेंज है, मैं पतंग लूट के बेचूंगा। तू एक नंबर की धोखेबाज है यार, ये कहती थी साथ में पतंग लूटेंगे और ये मना कर रही है। इस गरीब की तेर को बिल्कुल भी दिया नहीं आई, मैं कहां से लाऊंगा पतंग? तू तो मेरे खेत में घुस के सारे पतंग लूट ली, गरीब कहीं की। यार इस बार तो मैं पतंग नहीं उड़ा पाऊंगा, ये कह रही है कि सारी पतंग फट गए। नहीं मेरे भाई, ये लड़की तेरे को झूठ बोल रही है, पतंग है इसके पास, इसने अपने घर पे छुपा रखे हैं। राधिका, पता चल गया, पता चल गया। क्या तुम्हारा पतंग किसने काटा था मेरे को पता पड़ गया? पता मुझे, मैं उसे। तो यार वीडियो को आखिरी तक देखना, बहुत मजा आएगा, और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। दारा, तेरी बेटी ने मेरा पतंग काटा है। मैं तेरा मतलब नहीं समझा। No. बेटे मतलब समझने के लिए दिमाग चाहिए। तो तेरे पास नहीं है? अच्छा ये, वरना मेरा भी पतंग कट जाता। मेरे को अच्छा वाला मंजा देना। तुम ऐसा करो कि प्लास्टिक वाला मंजा ले जाओ, कोई नहीं काट पाएगा तुम्हारी पतंग को। मैं भी आपकी पतंग नहीं काट पाऊंगी, एक बार लेके तो देखिए आप। प्लास्टिक वाला मंजा, लेकिन ये मिलेगा कहाँ पे? ये देंगे आपको, इनके पास ले लो। ओहो अच्छा ये है प्लास्टिक वाला, मेरे को लगा ये। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नो, राजा भोसड़ी के। मैं तेरी बेटी के साथ पतंग उड़ाने आ रहा हूँ तेरे घर। मैं तेरा मतलब नहीं समझा। नो। चले बोला ना, समझने के लिए दिमाग चाहिए। जो तेरे पास नहीं है। चले गलती से भी मत जाना, वरना पतंग के लटका के उड़ा दूंगा तेरे को भी। कहाँ जा रहे हो बे सुनील शेट्टी? तेरे खेत में पतंग लूटने जा रहा हूँ मैं, तेरे को पतंग नहीं लूटने देगा। आगे स्वाद। सबर करो। वो पतंग मेरा है, मैं लूटूंगा उसको। ये पतंग तो मैं लूट के रहेगा, इसे तो मैं लूटूंगा। मैं कहता हूँ मुझे लूटने दे ये पतंग, तू मेरे खेत में नहीं घुसेगा। हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को दे दे भाई। अगर आपको भी पतंग उड़ाने का शौक है तो प्लास्टिक वाले मंजे से बिल्कुल भी ना उड़ाए, और ना ही किसी को उड़ाने दे। जय हिंद जय भारत। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है।